नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयरबाज में। आज हम लोग जोमेटो शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे उसके प्रॉज एंड कॉन्स। और आपको बता दें कि ये अपने इशू प्राइस के भी नीचे आ गया है, तो सब कुछ जानेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। कहाँ पर आपको एंट्री करनी है, नहीं करनी है, करनी चाहिए, आपके पास ऊपर है तो होल्ड करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो उससे संबंधित न्यूज़ हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जोमेटो ने $50 लाख के कैश कंसिडरेशन के लिए एक फूड रोबोटिक कंपनी मुकुंदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में 16.66% हिस्से का अधिग्रहण किया है। एक नीज़ तो ये हो गई। दूसरा, बोर्ड ने ग्रोफर्स को, यानी कि अभी इसका नाम ब्लिंकिट हो गया है, एक या अधिक चरणों में $15 करोड़ तक के लोन की भी मंजूरी दे दी। यानी कि $15 करोड़ का लोन देगी जोमेटो किसको? ब्लिंकिट को, यानी कि ग्रोफर्स को। और इसका जो इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी जोमेटो। एक न्यूज़ तो ये हो गई, दो न्यूज़। बात करते हैं ग्लोबल ब्रोकरेज की क्या राय है, इस पर नज़र डालिए। देखिए, और ये आज की न्यूज़ है, ये आज का ही है सारा कुछ। जोमेटो पर ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली बुलिश नज़र आ रहा है। देखिए, ब्रोकरेज ने शेयर में ओवर रेटिंग देते हुए ₹135 का टारगेट बताया है। वहीं ब्रोकरेज हाउस सिटी ने भी निवेश की सलाह दी है इसमें, और कितना टारगेट बताया है? ₹118 का। जबकि ब्रोकरेज हाउस HSBC ने होल्ड की रेटिंग देते हुए ₹92 का टारगेट दिया है। तो ये तीन ब्रोकरेज कंपनियां हैं और तीनों ने क्या कहते हैं इसके टारगेट बताए हैं और ख़रीदारी की सलाह दी है। बात करते हैं मार्केट डेप्थ की, एक बार देखिए। ये लगभग 3:29 की आज की पिक है जो मैंने ली है, और आप एक बार इस पे नज़र डालिए। वॉल्यूम पे देखिए क्या तगड़ा वॉल्यूम जनरेट किया है, 4,21,67,067, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम जनरेट किया है। और पिछले कई दिनों से ये बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। और देखिए, आपको ख़रीदारी करने वाले 19,71,000 और बेचने वाले 29,78,000 ऑर्डर्स लगे हुए दिख रहे हैं उस समय तक। चलिए फंडामेंटल्स देख लेते हैं एक बार। इसके कामकाज के बारे में लगभग सभी जानते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी फूड डिलीवरी कंपनी है। और देखिए, एज ऑफ December 31, 2020 जोमेटो हैज एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट अक्रॉस 23 कंट्रीज विद 131,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स और 161,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ देखिए, एन एवरेज मंथली फूड ऑर्डर ऑफ 10.7 मिलियन कस्टमर्स, बिल्कुल लगभग 1 करोड़ कस्टमर्स को हर महीने ये एक जो ये एवरेज है उनको ये सप्लाई करते हैं फूड। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप देखिए 59,827 करोड़ का, बढ़िया है, लार्ज कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए माइनस में, ये एक नेगेटिव चीज़ मिली। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोग प्लीज़ प्रॉज एंड कॉन्स को अपने फिंगर्स पे ही सही काउंट करते रहा करिए। मात्र 9-10 मिनट का वीडियो होता है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो अंत में आपको आसानी होगी इससे डिसीजन लेने में। तो आपको एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर दिखती है। दूसरी नेगेटिव चीज़ फिर दिखती है आपको, -12.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये भी आपको नेगेटिव में दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कोई है नहीं इसमें, क्योंकि बहुत सारी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं सब में प्रमोटर होल्डिंग हो। तो जब प्रमोटर होल्डिंग नहीं है तो प्लस परसेंटेज भी जीरो है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे ITC वगैरह हो गई, इनमें भी आपको प्रमोटर होल्डिंग नहीं मिलेगी। डेट की बात कर लेते हैं, 114 करोड़ का डेट बिल्कुल ना के बराबर है 59,000 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से। और डेट इक्विटी देखिए 0.01, तो आप इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। हाई और लो की अगर हम बात करें तो देखिए ₹169 का हाई और 75.80 पैसे, यानी 75.80 रुपये का लो लगाया, जो कि आज का ही लो दिखता है। ये मेरे ख्याल से अपडेट नहीं हुआ होगा उस समय तक। आज लगभग 75.50 रुपये का इसने लो लगाया है और अपने ऑल टाइम लो पे आ गया है ये। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सोचिए कितना, लगभग 55% सस्ता मिल रहा है आपको हाई से। आगे बार बढ़ते हैं प्रॉज एंड कॉन्स। देखिए, एक प्रॉज है, 3 कॉन्स हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। सेल्स की अगर हम बात करें तो December 2021 में 1,112 करोड़, September 2021 में 1,024 करोड़, उससे पहले 844 करोड़, उससे पहले 692 करोड़, उससे पहले 609 करोड़, सारी वैल्यू करोड़ में। तो आपको क्वार्टरली बेसिस पर देखिए क्या बेहतरीन अपट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर, आपको लगातार अपट्रेंड में दिख रहा है ये सेल्स, ये अच्छी चीज़ है। बात करें अगर नेट प्रॉफिट की तो प्रॉफिट आपको कहीं नहीं दिखेगा, लॉस मेकिंग कंपनी है, सब तरफ लॉस ही लॉस है। और ये बात ज़रूर है कि यहाँ से लॉस देखिए यहाँ बड़ा, लेकिन यहाँ से अगर आप बात करेंगे पिछले क्वार्टर से, सितंबर से दिसंबर में, तो यहाँ पर आपको लॉस कम होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं ईयरली लेवल पर, सारी वैल्यू करोड़ में है। सेल्स की अगर हम बात करें तो देखिए March 2021 में 1,994 करोड़, उससे पहले 2,605 करोड़, ये कोविड वाला फेज था जहाँ पर कोविड में सबको नुकसान हुआ, वहाँ पर इनको फ़ायदा हुआ था क्योंकि सब घर बैठे बैठे खाना मंगा रहे थे। मार्च 2019 में 1,313 करोड़, उससे पहले 466 करोड़।
तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ से बढ़िया अप ट्रेंड था, लेकिन इसके बाद से यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा थोड़ा सा मार्च 2021 में। और ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे आपको अच्छा दिख रहा है 3673 करोड़ का, जो कि अभी तक का हाईएस्ट दिखता है। बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए आप 815 करोड़, 2386 करोड़ का माइनस लॉस है, यानी कि 1010 करोड़ और 107 करोड़ यहाँ पर भी लॉस। और अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 813 करोड़ का लॉस, उससे पहले देखिए 2020 में अच्छा खासा लॉस था कंपनी को, और उससे पहले भी लॉस और उससे पहले भी लॉस, तो यहाँ पर भी आपको लगातार लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा डाउन हुआ है। हालांकि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे 980 करोड़। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देखिए 2870 रहने दीजिए, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो रिजर्व्स की बात करें तो हाँ, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छे हैं। मार्च 2018 में देखिए 1036 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, और वहीं मार्च 2021 में देखिए 7644 करोड़ के रिजर्व। और अगर सितंबर मात्र एक क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने रिजर्व कितना तगड़ा बढ़ा लिया है, 15738 करोड़, लगभग डबल कर लिया रिजर्व मात्र 3 महीने में। तो ये अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ देखिए। एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर भी है कि आपको FIIs और DIIs देखिए अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा रिटेल है, प्रमोटर है नहीं। तो FIIs आपको दिख रहे हैं 0.4% और DIIs भी देख रहे हैं आपको 4.65%। और एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है कि FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2021 में FIIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। रिटर्न्स की बात करें तो देखिए आज लगभग 80 रुपये पर खुला था, और खुलते ही धड़ाम हुआ एकदम, ये देखिए आप। और उसके बाद लगातार पूरे दिन कंसोलिडेशन के फेज़ में रहा, और 75 रुपये 50 पैसे का लो लगाया, और 0.78% माइनस का रिटर्न। वन वीक में अगर हम बात करें तो -3.47% का रिटर्न, वन मंथ में बात करें तो लगभग 10% माइनस का रिटर्न, और वन ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग 40% माइनस में रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। 169 का हाई लगाती है और 75 का लो लगाती है, जो कि आज का ही है, तो ये चिंता का विषय है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक ओवरबोर्ड बॉर्ड जोन में नहीं है, और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ASM लिस्ट में है स्टॉक और ना ही GSM लिस्ट में है, और प्रमोटर होल्डिंग तो है नहीं, तो प्लेज होने का कोई सवाल ही नहीं। की मैट्रिक्स पर नजर डाल लेते हैं, देखिए सेक्टर का पी है 17.93 और सेक्टर का पी सॉरी कंपनी का पी है 71.94, लगभग 4-5 गुना। तो आप ये समझिए कि आपको अभी भी अच्छे खासी वैल्यूएशन यानी महंगे प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डालिए, आपको प्रॉफिट तो कहीं नहीं दिख रहा खैर। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आपको लगातार 3 साल अप ट्रेंड, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड, और अगर प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट है नहीं, लॉस की बात करें तो लॉस लगातार बढ़ता रहा है 2018-19-20 में, लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि 2021 में इसने अपने 2019 वाले से भी थोड़ा सा कम किया है लॉस, तो ये अच्छी चीज़ है। और बाकी ट्रेलिंग 12 मंथ अच्छा दिखा था, तो हो सकता है कि 2022 वाले जो फाइनल रिजल्ट होंगे वो अच्छे होंगे। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की, देखिए जानते हैं क्या है। देखिए 76 रुपये पे लगभग ये अपने 75 रुपये 90 पैसे पे आज ये बंद हुआ है, और देखिए इससे पहले भी एक बार ये यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसने इसी का 76 रुपये के आसपास, और 76 रुपये पे ये कई दिनों से लगभग सपोर्ट ले रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो अगर ये 76 रुपये के नीचे जाता है तो यहाँ पर आप थोड़ी सी फंसने की उम्मीद मुझे लगता है दिखती है। और अगर आप ये देखेंगे 85 रुपये 86 रुपये इसका बहुत दिनों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये 76 से 85 रुपये के बीच में बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है जल्दी आपको एक अप ट्रेंड दिखे। तो अगर आप चाहते हैं तो एंट्री बनाना चाहते हैं तो जहाँ पर है आप वहाँ से भी एंट्री बना सकते हैं, और नहीं तो ये मुझे लगता है कि कल आपको 75 रुपये के आसपास जहाँ तक दिखेगा, और यहाँ से एक आपको अच्छी बाइंग नज़र आनी चाहिए। हालांकि अपने 50 EMA और 100 EMA दोनों से ये बहुत अच्छा खासा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये यहाँ पर ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। हालांकि 3 ब्रोकरेज फर्म ने अपने अच्छे टारगेट बताए हैं, और अभी ये सस्ते दाम पे मिल रहा है, 55% वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो आप इसमें एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हुए। बाकी अगर हम बात करें इसके RSI की, तो RSI देखिए ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, 34 के आसपास है यहाँ पर देखिए, तो ये भी एक चीज़ है। वीकली कैंडल की बात करें तो देखिए लगभग 1, 2, 3, 4, 5 हफ्तों से ये कंसोलिडेशन के फेज में, और 76 रुपये इसका अच्छा खासा सपोर्ट बना है, और 86 रुपये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये एक बार तोड़ के ऊपर जाएगा तो आपको अच्छी मूव दिखेगा। मंथली कैंडल की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4 लगातार 4 महीनों से गिरावट चल रही है, और अच्छा खासा करेक्ट ये कर चुका है, और अभी देखिए मंथ लो पे है ये, तो ये एक बात है। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो मेरी समझ से, तो अगर ये 70 से 75 के बीच में मिलता है तो आप एक बार एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये 86 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ अपने वीडियो में कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ,
मैं वीडियो प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लिया कीजिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, हो सकता है मैं जो बताता हूँ यहाँ पर मैं गलत हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए। धन्यवाद।